जनाब स्पीकर जनाब स्पीकर मैं सबसे पहले खैबर पुलिस के जवानों को खराज तहसीन पेश करूँगा हकीक़त ये है कि हमारी खैबर पख्तनख्वा के पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो तारीख़ का एक हिस्सा है कि जितने कुर्बानियाँ पुलिस फोर्स ने दी हैं शायद किसी और ने नहीं दी हों, जनाब इस इसकी वजूहत क्या हैं बार बार दहशत गर्दी क्यों हो रही है ए पी एस का वाक़ हुआ जनाब स्पीकर इसी तरह दूसरे वाक़ात हुए और ख़ासकर कुछ महीने पहले अहले तश्यू की मस्जिद पर पिशावर कस्ा खाने के बिल्कुल बैक साइड पे आकब पे कोचाई रिसलदार में दर्जनों अफरा वहाँ भी इस दहशत गर्दी के बीन छड़ गए उसकी बुनियादी वजह यह है जनाब स्पीकर कि हमारी हुकूमतों की तरजीहत ये नहीं है कि इस मुल्क में अमन आ जाए और यह आपको मानना पड़ेगा अगर हमारे तरजीहत में यह होती कि इस मुल्क में अमन आना चाहे वो अमन के बग़ैर न हमारी मीशत मुस्तकम होगी न यह मुल्क सियासी तौर पर इस्तेकाम पाएगा और न हम आगे जा सकते हैं तो अभी तक उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती जनाब स्पीकर हमारे हर मुल्क के दुश्मन होते हैं हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया है जनाब स्पीकर तोजह चाहिए हर मुल्क के दुश्मन हैं कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है आप अमेरिका तक चले जाएं कोई भी मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका दुश्मन न हो और हमारा असल दुश्मन इंडिया है पाकिस्तान बनने के बाद अभी तक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इंडिया ने जो किरदार अदा किया है वो आपके सामने है क्या हमारी हुकूमतों पिछली हुकूमतों ने जितने भी हुकूमतें आई हैं चाहे वो डिक्टेटर का हो चाहे वो सियासी अफराद के हों जो आए हैं सियासी पार्टियों का हो लेकिन मुझे ये बताएं कि हमने इनडिया के साजिशों को बेनकाब करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई है हमने क्या किरदार अदा किया ये जो आज कहा रह जा, जा रहा है टी टी पी खुरासानी कभी कहते हैं टी टी पी फलानी अफगानी कभी कहते हैं टी टी पी ईरानी ये क्या है हमारे पास इतने भी मालूम नहीं है कि यो, ये लोग कहां रह रहे हैं कहां से आ गए हैं और कहाँ जाकर ये, ये वारदात करेंगे जब एक जलसा होता है जनाब स्पीकर पाकिस्तान किसी भी जगह में हमें कहा जाता है कि यहां थर्ट है और तो खुदकुश हमले का और हमें इतला मिली है जब इतनी जल्दी उनको अदला मिल जाती है हमारे फोर्सेस को तो ये इतला क्यों नहीं मिली कि आज पुलिस लाइन में भी खुदकुश धमाका हो रहा है क्यों पता नहीं लगा जनाब स्पीकर अगर ए पी एस के जो दहशत गर्दी हुई उसके असल हक़ाक़ को सामने लाया जाता और उसके मुताबिक मुजरमों को सजा दी जाती इस तरह किस खानी में अहल तश्योक है मस्जिद में जो धमाका हुआ उसके असल महर्रिक को पकड़ा जाता उन दहशत गर्दों को भी सजा दी जाती इस तरह दूसरे जो बन में आजकल हुआ तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी दहशत गर्द नहीं कर सकता था कि वो कल जो है हमारे पुलिस के उसमें लाइन में इस तरह के दहशत गर्दी करे जनाब स्पीकर मैं शोहदा को खराज तहसीन पर पेश करने के साथ साथ आज सराजुल्ह साहब ने अस्पताल में जाकर जख्मियों की आयादत की है और उनका कहना यह है कि ले रेडिंग के अस्पताल के डॉक्टर ने आमल ने जो खदमत उनकी की है वह भी खराज तहसीन के मुस्क हैं सराजुल्ह साहब फरमाते हैं कि अलखदमत फाउंडेशन और इस्लामिक जमयतलबा ने जिस अंदाज में जख्मियों को रिलीफ पहुंचाने अस्पताल में पहुंचा उनके लिए खून देने और अलखदबा फाउंडेशन ने अपने तमाम वसाइल को उस तरह मरकूज करके उनकी जो खदमत की है मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब स्पीकर हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी आदम इसम है जनाब स्पीकर और यह सियासी अदम इसकाम खुद दहशत गर्दी है ये खुद दहशत गर्दी है जनाब स्पीकर इसकी वजह यह है कि सियासी इस इस्तेकाम की वजह से आवाम जो हैं वो बिल्कुल उनकी जान वो, वो महफूज नहीं है मेरा भी नहीं है आपका भी नहीं है किसी मेंबर का भी नहीं है जो मजदूर मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं कोई ये कह दे कि मैं बिल्कुल ए, सेफ हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी एक बंदा कह दे कोई भी नहीं है क्राइम्स बढ़ गए हैं जनाब स्पीकर सियासी पार्टियां लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ ये कल परसों की बात है शाम आजान होते ही मेरे ही बेटे से मोबाइल छीन लिए और जब उन्होंने मुजाहमत की तो उनको पिस्तौल दिखाया वो तो किधर है हुकूमत सुबह हुकूमत किधर है हुकूमत किधर है क्या नाम है जी उसका ये जब तक आप पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे आप गुत करें ना जी मैं उनका भी मुजामत करता हूं जो चार सालों तक किसी से हाथ मिलाने के कायल नहीं थे मैं उनका भी मुजामत करता हूं लेकिन मैं जो लोग इस वक्त भी सियासी डायलाग नहीं करते इसकी मुखालफत करते हैं मैं उनको भी इनका भी मजामत करता हूँ सियासी डायलाक होने चाहिए सियासी पार्टियों में बातचीत होने चाहिए आपस में बिल बैठने चाहिए आजकल जो जरूरत है अमन की जनाब स्पीकर जब तक अमन नहीं आगा आपकी इकॉनमी मजबूत नहीं होगी लोग यहां कोई भी सरमाक सरमादार सर्मय, सरमाकारी नहीं करेगा तो आप कैसे अपनी मिशत को मुस्तकम करेंगे अमन सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने जब बैतुल्ला तमिर की जनाब स्पीकर क्या दुआ फरमाते हैं रबिनुक आहू रिजक की बात बात कर बाद में करते हैं पहले कहते हैं परवा दिगार आलम इस मदीने को इस शहर को इस इलाके को अमन का गहारा बना दे शुक्रिया मेरे जनाब स्पीकर में वजी खारजा वजी दा, दाखिला साहब से गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर तमाम सियासी पार्टियों को बुलाया जाए फौरी तौर पर तमाम सियासी पार्टियों को यकजा किया जाए और उसमें इस्टेब्लिशमेंट के हमारे लोग हों उसमें सियासी पार्टियाँ हों उसमें तमाम सूबों के वजाराय आला उसमें शामिल हों ग्वानर उसमें शामिल हों एक एक स्ट्रेटेजी हम तो कम अज कम बनाए कि इसका किस तरह मुकाबला करेंगे कैसे हम इस दहशत गर्दी को इस मुल्क से निकाल के बाहर फेंकेंगे कैसे हम इंडिया के साजिशों को नाकाम बना सकते हैं अकेली एक सियासी पार्टी का, का काम यह नहीं है और यह पूरे तौर पर होना चाहिए और यहां कौमी असम्बली में होना चाहिए आपके चैम्बर में होना चाहिए वजे अजम के चैम्बर में होना चाहिए वज़र अजम के आफ़िस में होना चाहिए बहर हाल सियासी डायलाक इंतहाई ज़रूरी है इसके लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है तमाम सियासी पार्टियों के अकाबरीन को आ, 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 उनके सदूर को बुलाया जाए और उनसे तजवीज़ तजवीज़ें ली जाएँ और मुशावरत करके एक पॉिसी तरतीज दी जाए शुक्रिया जनाबी